जिस मंदिर का जीवन भर विरोध किया उसी मंदिर के चौखट पर परिवार को मांगना पड़ा था भीख। पर्दे के पीछे की कहानी। दोस्तों नमस्कार, मैं रमेश कुमार और आप देख रहे हैं निष्पक्ष आवाज़ यूट्यूब चैनल का एक कार्यक्रम। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योतिबा फुले और सावित्री आई फुले, उनके परिवार के पर्दे के पीछे की वो कहानी। दोस्तों अपने समय के टाटा और अंबानी जैसा धनखड़ व्यक्ति के परिवार को मंदिर के सामने क्यों मांगना पड़ा था भीख, उनके परिवार को क्यों चलाना पड़ा था रिक्शा। दोस्तों जिस ज्योतिबा फुले और सावित्री आई फुले के संघर्षों के बदौलत आज बहुजन समाज पढ़ लिख पाया, आगे बढ़ पाया, आज उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति लाई, उस परिवार का ये हालत क्यों हुआ। आपको पता होगा दोस्तों कि ज्योतिबा फुले जी ने अपनी पूरी संपत्ति समाज के शिक्षा के लिए दान कर दिया था, लेकिन आज उनके परिवार का हालत ये देख आप भी दहल जाएंगे। दोस्तों पूरी कहानी जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। तो सर ये जो टॉपिक है काफ़ी इमोशनल है। हमने अभी तक देखा कि किस महान संघर्ष के बाद हम आज यहाँ तक के पहुँचे हैं। सावित्री आई फुले और ज्योतिबा फुले, इनके संघर्ष के बाद आज बहुजन समाज इस लेवल पे पहुँचा है। लेकिन उनके बाद आज जब वो हमारे बीच में नहीं है, और उनके बाद जब पहले इनका महापरिनिर्वाण होता है महात्मा ज्योतिबा फुले जी का, उसके बाद सावित्री आई फुले जी का, और ये दोनों जाने के बाद एक किस तरीके की आपदा उस फुले परिवार पे आती है, मैं आंखों देखा, अपने आंखों से देखा हुआ ये हाल है। और उस समय से मैं मुझे काफ़ी दुख हुआ था। खैर उस समय तो मैं किताबों से इतना लगाव नहीं था, मैं पढ़ा नहीं था, पर वो हालत देख के मुझे खूब, आपको सभी को जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, मैंने महात्मा फुले और सावित्री आई फुले जी के जो आज वंशज है, उनके परिवार के जो लोग बचे हैं, उनको नागपुर के जो जहाँ पे अधिवेशन होता है विंटर के लिए जो असेंबली होती है, तो संविधान चौक करके नागपुर में एक बहुत ही मुख्य स्क्वायर है, तो वहाँ पे उन्हें सरकार से मदद मांगते हुए देखा है। और आज के दिन, मतलब जब वो समय था मैं देखा था, आप यकीन नहीं करोगे, उनके वंशज जो है आज रिक्शा चला रहे हैं और दाने दाने के लिए मोहताज है। तो जो एक ज़माने पहले इतने रईस, मतलब आज के जो टाटा अंबानी है, वो भी उनके सामने कम पड़ जाए, इतना महात्मा फुले जी का साम्राज्य था, इतने आर्थिक रूप से वो सक्षम थे। सिर्फ 200 एकड़ जमीन तो जो है उन्होंने, बाकी मतलब जैसे उस जिन लोगों के पास जमीनें नहीं थी और सिर्फ खेती का जिनके पास अनुभव था, तो ऐसे लोगों को एक तरीके से खेती के माध्यम से रोजगार उपलब्ध हो, इसलिए ज्योतिबा फुले जी ने 200 एकड़ जमीन का एक पट्टा जो है वो लोगों को खेती करने के लिए दिया था। और वहां से जो प्रोडक्शन होता था उसके लिए उन्होंने खुद की, मतलब एक तरीके से उन्हीं की मंडी भी कही जाए तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे 60-70% जो प्रोडक्शन जो सेल होने के लिए आता था तो वो अकेले महात्मा फुले इनके खेती का होता था। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई महात्मा फुले जी जो है उनका अर्निंग सोर्स कितना था। और आज के तारीख में उनके वंशज जो है, उनकी पीढ़ी जो है, आज रिक्शा चलाने पे और मजदूरी करने पे भी मजबूर हो गई है। और एक बात जो है जो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि महात्मा फुले जी ने जो है जीते जी अपनी वसीयत लिख कर गए थे, और कि भाई मैं जब इस दुनिया में ना रहूं तो मेरी इस संपत्ति का, इस प्रॉपर्टी का किस तरीके से बंटवारा किया जाए, इसका कहाँ इस्तेमाल किया जाए, ये भी मैं थोड़ी देर में शेयर करूंगा। उनकी वसीयत है मेरे पास जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। ये काफ़ी सीरियस और काफ़ी इमोशनल टॉपिक है, तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ इसे कि जब सावित्री आई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले, इनका दोनों का देहांत हो जाता है, तो इस 30 नंबर के चैप्टर में है, खरे पाहता फुले कुटुंब सुख वस्तू आणि श्रीमंत होते, त्यांच्याकडे भरपूर जमीन होती, शिवाय
पेशवे तर इतके श्रीमंताकडे त्यांच्या फुलांचा धंदा ही चांगला जोरात चालत होता. फुलांच्या धंद्याचे हिशोब लिहायला गोविंदरावजी फुले ज्यांच्याकडे कृष्णदेव हा एक खास हिशोब करणी ठेवला होता, त्याच्या उच्चारून उधळून काढण्यात येते ज्योतिबांनी मनात आणले असते तर त्यांच्या त्यांना घरच्या संपत्तीचा उपयोग घेऊता आरामात जीवन काढता आले असते. मतलब इसमें ये कहा गया है कि असल में देखा जाए तो वो इतना सुखी और इतना अमीर परिवार था, उनके पास इतनी जमीनें थी कि मतलब उस समय के जो पेशवा को जब 1818 में जब पेशवाई खत्म हुई थी और उस लड़ाई जीतने के बाद जो छोटी मोटी जागीरदारी ही उनके पास बची थी, तो उनके लेवल में इतनी उनके बराबरी की इतनी संपत्ति जो थी वो ज्योतिबा फुले जी इनकी थी. अगर वो चाहते तो पूरी जिंदगी आराम से बैठकर उनकी कई पीढ़ियां उसको आराम से बैठकर खा पाती थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ. उन्होंने अपना एक विल भी तैयार किया था, इस प्रेजेंटेशन के बाद मैं वो विल भी बताऊंगा. तो आराम से वो अपना जीवन बिता सकते थे किंवा ते त्या काळी मॅट्रिक झाल्याने सरकारी दरबारी संसदी किंवा उच्च नोकरी मिळवून ऐशो आराम करू शकले असते. त्या काळी मॅट्रिक म्हणजे बरेच शिक्षण झाले समजले असते. तो चाहो तो वो 10वीं पास करने के बाद उनका एजुकेशन जो मॅट्रिक पास हुआ था, तो मॅट्रिक तक के उस बेस पे वो बहुत अच्छी कोई ड्यूटी करके भी वो आगे की बहुत ऐशो आराम के साथ जिंदगी जी सकते थे. सही बात तो ये है कि जब महात्मा फुले का एजुकेशन जो है वो चौथी तक के जब हुआ था, उसके बाद उनके पिताजी को जो है वहाँ के जितने भी भट्ट ब्राह्मण और सनातनी लोग थे, उन्होंने उन्हें उनके पिताजी को भड़काना चालू कर दिए कि भाई अगर लड़का ज़्यादा पढ़ लिख जाएगा तो वो पागल हो सकता है, और तुम्हारा एक ही लड़का है वो पागल हो जाएगा, तो इस तरीके का डर. और तो इसके मारे जो है उन्होंने चौथी क्लास से जो है उनकी एजुकेशन बंद कर दी गई थी. ज्योतिबा फुले जी की शिक्षाओं पे बंदी ला दिए थे, उनको स्कूल में जाने से मना कर दिए थे उनके पिताजी ने, और वो उनको अपने दुकान में जो है फूलों की उनकी जो एक दुकान थी. और एक बात इसमें यह भी है कि हमें हमेशा पढ़ने को मिलता है कि उनका सरनेम गोरे था ओरिजिनल, और बाद में उनका नाम फुले पड़ा. तो इसके ऊपर जल्द ही अपन जब महात्मा फुले जी की स्ट्रीम करेंगे तो उसमें मैं और भी विस्तार से बताऊंगा, अभी फिलहाल ये चैप्टर ले लेता हूँ. तो वो बंदे ने भड़काया और उसके बाद उनका एजुकेशन ख़त्म हुआ था. और फिर कुछ दिनों उनकी जो सिस्टर मौसेरी बहन थी जिसका हमने स्ट्रीम में जिक्र भी किया था, उनके कहने पे जो है उन्होंने उनको मनवाया. उनके साथ उनके गफ्फार बेग करके जो एक दोस्त थे जो उनके पिताजी के बहुत ही खास थे, तो उनको समझाने लगाया और फिर से फिर उसके बाद जो है महात्मा ज्योतिबा फुले का एजुकेशन फिर से स्टार्ट हुआ. तो खैर वो उतना एजुकेशन ले चुके थे कि आराम से नौकरी करके भी बाकी की जिंदगी बिता सकते थे. पर जो है उसके बाद शेतकऱ्यांना ज्योतिरावांनी पुण्याजवळ सुमारे 200 एकड़ जागा विकत घेतली. जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि 200 एकड़ उन्होंने जमीन खरीद के रखे हुए थे, इतनी उनकी संपत्ति थी. अशी संपन्नता असूनही सावित्रीबाई व ज्योतिबांनी स्वतःच्या जवळ पै न पै सामाजिक कार्यासाठी खर्च केला. इन्होंने जितना भी अपनी संपत्ति थी पूरा समाज कार्यों के लिए लगा दिया. पूरी संपत्ति अभी तक के हमने स्ट्रीम में देखा भी था कि दिन में पर डे 2000 लोगों को खाना खिलाना, 2000 लोगों को खाना खिलाना, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात होती है. पूरे पेंडेमिक के पीरियड में 2000 लोगों को डेली खाना खिलाना, अभी हमने कोरोना पीरियड में देखे होंगे जरा सा 10-20 लोगों को भी क्या तो किसी ने मदद कर दिया होगा तो सोशल मीडिया पे अपनी फोटो कभी कुछ बांटते हुए, ये 100-200 लोगों को हफ्ते एक बार भी किया तो खुद का कितना बढ़ाव किया. लेकिन आज तक लोगों को ये बातें पता नहीं कि भाई उस समय जो पेंडेमिक आया था उस पेंडेमिक में लोग जब भूखे मरने की नौबत आई थी तो 2-2 हज़ार लोगों का खाने का अरेंजमेंट जो है वो फुले परिवार की तरफ से किया गया था. इससे हम अंदाज़ा लगा सकते थे कि भाई वो कितने रईस और फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग भी थे. श्रीमंताच्या घरची मुले व श्रीमंताच्या घरची सुने असलेल्या सावित्री माईने समाजाच्या भल्यासाठी आपले सगळे जीवन झोकून दिले. आई वडिलांना सुद्धा टाकून दिल्याने एका प्लेग झाल्याने मुलगा डॉक्टर यशवंत त्यांच्या दवाखान्यातच घेऊन येताना सावित्रीबाई प्लेगने घेरले. चांगल्या चालत्या बोलत्या दणकंडीत मतलब जब सावित्रीबाई फुले जी को प्लेग हुआ उसके पहले जो थे वो काफ़ी हेल्दी थे, उनको किसी भी तरह की नहीं, वो मतलब उनके
जो उनके मृत्यु का महापरिण उनके निर्वाण का जो मेन कारण रहा वो समाज सेवा करते करते जब उन्हें प्लेग हुआ उसी के वजह से। अब जो है डॉक्टर यशवंत यांच्यासाठी ज्ञानबा ससाने यांची मुलगी राधा हिला लग्नापूर्वी, मतलब जो है एक ये भी बोल सकते हैं कि उनके बेटे का जो है वो लव मैरिज रहा हुआ है। उनकी जो पत्नी थी राधा, उनका नाम राधा था, तो इनकी शादी जस्ट होने ही वाली थी लेकिन किसी कारणवश उनको जो है 6 मार्च 1895 को उनके अल्प आयु में ही उनका निधन हो गया। उसके बाद जो है उनकी दूसरी शादी करवा दी गई डॉक्टर यशवंत की। डॉक्टर यशवंत इन्होंने 1903 में चंद्रभागा, इन चंद्रभागा इनके साथ जो है उनकी दूसरी शादी हुई। उनको एक बेटी हुई लक्ष्मी, उर्फ उसका नाम उसे प्यार से लक्ष्मी उनका नाम था और सोनी उन्हें प्यार से कहा जाता था। लक्ष्मी ही दिसायला अतिशय सुंदर असली तरी प्रकृति ने अतिशय अशक्त होती। लक्ष्मी जो थी उनकी लड़की भले ही दिखने में सुंदर थी लेकिन वो फिजिकली थोड़ा हैंडीकैप थी। डॉक्टर यशवंत सैन्यात डॉक्टरी करत असताना 13 ऑक्टोबर 1906 रोजी त्यांचे ही निधन झाले। तो ऐसे कंडीशन में जो है कि डॉक्टर यशवंत भी फौज में डॉक्टर थे, तो वहाँ पे काम के दौरान थी उनकी 1906 में जो है डेथ हो गई। अभी डॉक्टर यशवंत भी नहीं रहे, सावित्रीबाई फुले भी नहीं रहे और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले भी नहीं रहे। अब बची है बस उनकी बेटी चंद्रभागा, सॉरी बहू बहू बची है लक्ष्मीच्या दुःखाला। चंद्रभागा व लक्ष्मीच्या दुःखाला व या त्रासाला परिवार राहिला नाही, फुलेच्या जातीने जातीने त्यांच्या जाती बाहेर मानून त्यांना। और जैसे भी इनकी हालात फिर दिन ब दिन जो है घसरती गई, लोगों ने भी साथ छोड़ना, लोगों भी साथ छोड़ते गए। जब तक के वो आर्थिक रूप से संपन्न थे, लोग उनको हर तरीके से उनको मान सम्मान सब कुछ मिलते जा रहा था, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे उन मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते गए तो लोग भी साथ छोड़ते गए। और इस तरीके से उनकी बहू चंद्रभागा और उनकी बेटी लक्ष्मी ये दो ही रहे। इनको जो आगे का जीवन था वो लोगों के घर में, जब उनकी लड़की लक्ष्मी इनकी शादी हुई तो माँ मतलब चंद्रभागा जो उनकी मम्मी थी डॉक्टर यशवंत इनकी पत्नी, तो ये अकेली रहती थी। तो वो भी लड़की के साथ रहना जब रहती थी तो ससुराल की तरफ से जिस तरीके से ताने मिलना चालू हो गया था, तो उन तानों के वजह से जो है उनको लगा कि भाई मेरे वजह से मेरी बेटी का घर ना टूट जाए, तो उन्होंने अलग रहना पसंद किए। और वो लोगों के घर पे डॉक्टर यशवंत की पत्नी चंद्रभागा ये जो है लोगों के घर पे मतलब महात्मा फुले इनकी बहू लोगों के घर में बर्तन मांजने का काम करने लगी और इस तरीके से वो अपना आगे का जीवन व्यतीत करने लगी। तो देखिए कितने दुख की बात है। एक समय ऐसी भी आया कि मतलब गरीबी इस हद तक के पहुंच गई थी कि 28 अक्टूबर 1910 का समय है कि उनको जिस घर में रहते थे आखिर वो घर एक्चुअली उनके घर भी जो किसी बंगले से कम नहीं था। मैंने इसीलिए स्ट्रीम के स्टार्टिंग में ही उनके घर भी दिखाने की कोशिश किया। उस जमाने में उतने बड़े बड़े मकान थे उनके, तो सिर्फ 100 रुपए में मतलब उस जमाने में अगर 100 रुपए में कोई प्रॉपर्टी बिक रही है मतलब वो कितनी बड़ी प्रॉपर्टी होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये 1910 की बात चल रही है, जहाँ आज की शताब्दी में हम अपने कभी जिनके पिताजी और दादाजी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे होंगे उनको पूछिए उनकी तनख्वाह कितनी आती थी, तो 5 रुपये 10 रुपये और 50 रुपये ऐसी मतलब कुछ 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये में उनकी तनख्वाह आती थी जिसपे पूरा महीना चलाना पड़ता था। अब उस जमाने में 100 रुपये का उनका वो 100 रुपये में सिर्फ मात्र 100 रुपये में मतलब इतनी हाल कंडीशन उनकी डाउन हो गई थी कि उनको सिर्फ 100 रुपये में अपना वो पुश्तैनी मकान बेचना पड़ा। और उसके बाद जो है लक्ष्मी जो है मतलब अभी जैसे बताया कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो उनकी बहू थी महात्मा फुले जी की बहू वो लक्ष्मी के घर में रहने लगी और उनके घर में जिस तरीके की परेशानी होती थी तो उनको फिर रहने लगा। आखिर एक समय ऐसा आया घर भी बिक गया सब कुछ बिक गया। सावित्रीबाई फुले सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी बहू
डॉक्टर यशवंत, इनकी पत्नी, आखिरी सहारा जो है उनका, जो उन्होंने जो अंतिम समय बिताया, आप यकीन नहीं करोगे कि मंदिर के सीढ़ी के बाहर एक, मतलब इस हालत में उनको वहाँ पे मौत आई, जो वंशज थे महात्मा फुले जी के, उनकी बहू, एक मंदिर की सीढ़ी में एक अनाथ और एक भिखारी की तरह उनके मंदिर की सीढ़ी के पास उनकी मौत हो गई, और वहीं से ऐसी लावारिश तरीके से उनकी लाश पड़ी रही। तो कहने का मतलब, अब जित इतना संपन्न परिवार, सिर्फ समाज के लिए उन्होंने अपनी पीढ़ी को पीढ़ी को तक के कुर्बान कर दिया। इतना त्याग ना कोई आज तक किसी ने किया होगा, और ना ही कोई इतनी हिम्मत भविष्य में दिखा पाएगा कि अपने परिवार को इस तरीके से खोते हुए। तो ये एक दो तीन पेजेस बचे थे, मैं बहुत ही शॉर्टली इसको भी लिया हूँ। तो ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण, और मैं भाग्य तो नहीं, बट ऐसा शब्द नहीं है मेरे पास इसके लिए, ऐसा रहा इस फुले परिवार का अंत। और उनकी बेटी के, मतलब जो लक्ष्मी उनकी जो होती थी, उनके थ्रू जो पीढ़ी आगे चली, उसका तो मैंने खुद आंखों देखा हाल है कि वो खुद एक रिक्शे पे ऐसा बोर्ड लेकर, हम फुले परिवार के वंशज हैं, उनके पास पूरी वंशावली भी थी, और वो वंशावली के साथ सरकार से ऐसा आवेदन कर रहे थे कि भाई हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले इनके वंशज हैं, तो हमारे पूर्वजों के इस महान कार्यों को देखते हुए आज के तारीख में हमें कुछ आर्थिक मदद हो जाए। तो आज इस हालत में समाज की सेवा करते करते उन्होंने अपना अपनी पीढ़ी को इस ये दिन तक के देखने पड़े। तो इतना महान त्याग, अपनी पीढ़ियों को कुर्बान करना करने वाला त्याग जो है, सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले का इतना बड़ा त्याग रहा है। तो समाज ने इस त्याग को कभी भूलना नहीं चाहिए, और उनको जो सच्ची आदरांजलि हो सकती है, उस तो वो आदरांजलि देने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। सर, इस पर आप कुछ बोलना चाहोगे? आप अपनी टिप्पणी रखिए, मैं उसके जी, तब तक के महात्मा फुले जी का जो उन्होंने विल जो लिख कर गए थे, मैं वो विल तब तक के स्क्रीन पे लाता हूँ। सर, आप कंटिन्यू कीजिए अभी। कर दिया। सर, हेलो। और आपने वो जानकारी जो था, और सर, भावुक हो गए हम लोग कि हमारा हमारे जो इतने महान पूर्वज हैं उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, और आज हम जो हैं कितने अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम, तो बेशक ये जो तरक्की का जो दौर में लोग पीछे रह गए, अब सोचिए कि उस जमाने में जो जिसकी तूती बाजती थी, और आज हमारे लोग, बाबा साहब शायद इसीलिए कहते रहे होंगे कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, यानी धोखा अपने लोग ही देते हैं जिसकी वजह से वो ऐसा ऐसा हो जाता है। तो हाँ, मैम कुछ कहना चाह रही थी। मैं तो बहुत भावुक हो गया, मेरा तो वो हो गया कि मतलब दिमाग भर यार, ये हालत तो मुझे पता ही नहीं था हाँ कि सर, इसी इसी हालत में परिवार जी रहा है। मान के बिजनेस क्लास में घूमने वाले लोग जो भोजन के नाम पर जो है कि रोटियां सेक रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी तो बनती है पहले से कि पहले करें। हाँ सर, भोजन क्रांति के बहुत बड़े अग्रदूत थे और वो, उनके परिवार का ये हाल है तो अफसोस होता है हमारे समाज को देख करके कि चूंकि अगल बगल के बहुत सारे लोग होंगे जो अगर जो थोड़ा सा अध्ययन करें तो कहीं ना कहीं बाबा साहब से कम रोल राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले का नहीं रहा है। और उनका उनका जो क्रांति रही है वो क्रांति बहुत बड़ी क्रांति थी। आप हम जो पढ़ते हैं तो ये लगता है कि आज जो भी है कहीं ना कहीं उनका भी रोल है। महात्मा ज्योतिबा फुले के वंशज, हम क्या सपने में भी सोच सकते थे कि वो इस हाल में रहे होंगे, या इस हाल में जी रहे होंगे, या इस हाल में उनका अंत हुआ होगा। हाँ, तो साथियों, ये जो भी स्क्रीन पर है, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ सर, आ रही जी है, आ सर, रही है। आ रही है सर। तो सर, अभी ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये पढ़ सकते हैं, महात्मा फुले यांचे मृत्यु पत्र।
ये उन्होंने अपने अंतिम समय में, जब उन्हें पैरालाइज हुए थे महात्मा ज्योतिबा फुले, काम 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 और हर समय समाज समाज में इतनी भाग दौड़, तो खैर सेहत के तरफ थोड़ा सा मतलब उन्होंने पूरा ध्यान नहीं दे पाए, इतने समाज के प्रति वो हमेशा लगे रहे। तो जब उन्हें पैरालाइज हुए थे, वो उनको लकवा मार गया था, तो उस समय उन्होंने जो है अपना ये एक मृत्यु पत्र लिखे थे। तो ये मृत्यु पत्र काफी लंबा है, क्योंकि इसमें जैसे कि मैंने कहा कि उनकी जो प्रॉपर्टीज थी, ये मृत्यु पत्र उन्होंने लिखा था 10 जुलाई 1887 को, 10 जुलाई 1887 को किया था, और बाकायदा ये सब रजिस्टर्ड ऑफिस में ये रजिस्टर्ड भी करके रखा था। और उसके बाद जो है ये आगे आप देख रहे हैं कि उनका ये जो कुछ भी है उसका उनका खुद का डिस्क्लेमर है इस मृत्यु पत्र को लेकर। और ये जितनी भी आप जो हाइलाइट्स वाले वर्ड्स दिख रहे हैं, ये एक एक प्रॉपर्टी का विवरण है, इस तरीके की उनकी जो प्रॉपर्टियाँ थी, कितने बंगले थे, घर थे, ये उसका पूरा विवरण है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो है इसमें, मैं आपको दिखा देता हूँ, और वो ये है कि मेरे मतलब वो कहते हैं, माझ्या मृत्यु मागे, मतलब मेरे मरने के बाद, चिरंजीव यशवंता ने नेहमी शाळेत जाऊन योग्य अभ्यास करून मॅट्रिक पास होऊन बाकीच्या पदव्या संपादन करण्यासाठी प्रयत्न न करीत उडान परकी लोकांच्या मुलांसारखी वर्तन करू लागला, तर मतलब अगर मेरा लड़का यशवंत नेहमी उसने हमेशा जो है अपनी पढ़ाई करते रहना चाहिए, मैट्रिक पास हो जाने के बाद जो है आगे की उच्च शिक्षा के लिए उसने कोशिश करते रहना चाहिए, यदि अगर वह ऐसा नहीं करते, तो यदि अगर वह ऐसा नहीं करते और बाकी अयोग्य बालक की तरह अगर वो अपना वर्तन उनका व्यवहार होता है, तर मतलब तो माझ्या स्त्री ने सत्यशोधक समाजातील सभासदांच्या बहुमताने चिरंजीव यशवंतास माझ्या वाटणीस पुण्यातील घर नंबर 394, अगर वो इस तरीके का है, व्यवहार कर रहा है, जो उनको जिम्मेदारी दिया है, वो पढ़ लिख नहीं रहा है, उच्च शिक्षित नहीं हो रहा है, तो उन्हें जो है बस उनका एक जो पूना में एक जो घर था, वो घर नंबर है उनका 394, तो ये जो उनका मकान था, ये मकान उसको दे देना चाहिए, अथवा खानवड येथील माझे वाटणीचे वाड्यातील शेतीतील, और उनको खाने पीने के लिए, जो वाड़ा मतलब बंगला होता है, मराठी में उसे वाड़ा कहा जाता है, हिंदी में बंगला, तो माझ्या वाड्यातील मतलब उनके बंगले के जो बंगले के पीछे जो खेत है वहां पे जो खेत और कुआं जो है, बस वो उतना हिस्सा, मतलब रहने के लिए घर, काम करने के लिए एक खेती और एक कुआं, इतना हिस्सा उसे मेरे त्यास सर्व स्टेट मधुन रद्द कराओ, बस इतना ही हिस्सा उन्हें देना चाहिए यशवंत को, और बाकी की जो मेरी प्रॉपर्टी है उसमें से उन्हें उनका कोई भी अधिकार नहीं रहेगा, ऐसा वो अपने विल में लिख रहे हैं। लेकिन डॉक्टर यशवंत वैसे नहीं निकले, वो जो रहे वो उन्होंने बाकायदा उच्च शिक्षा हासिल किए, डॉक्टर बने, और उनका स्वभाव भी सेवा 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 भारती के जैसे ही रहा, और वो भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाए। आगे वो लिखते हैं कि अगर यशवंत ऐसा व्यवहार करते हैं, जैसा उन्होंने कहा कि वो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या करना चाहिए, तो इतना तो दे दिया उनको, ये प्रॉपर्टी दे दिया, अब उस प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है वो देखिए, कितने क्रांतिकारी मतलब ये विल है, कितना विचार करने लायक विल है। तो बाकी की स्टेट में से उनको रद्द कर देना चाहिए, आणि समाजातील सभासदाच्या बहुमताने यशवंतच्या जागी माडी कुलवाडी धनगर वगैरह शूद्र समाजातील, मतलब यश मेरे बेटे के अलावा जो बहुजन समाज है, उस बहुजन समाज का, फिर वो कोई भी समाज रहे, वो माड़ी धनगर शूद्र किसी भी समाज से रहे, लेकिन वो बच्चा अगर पढ़ाई में होशियार है, वो अगर कि हर योग मतलब कोई लायक बच्चा अगर उसे मिलता है, मतलब उस होता है लायक रहे, तो उसको मेरी इस प्रॉपर्टी का जो है मतलब अगर वो ये सब कार्य करने के लिए अगर वो रेडी है, वो उसको कर सकता है, जो मतलब सावित्री आई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले का जो कारवा था, उस कारवे को आगे बढ़ाने के लिए अगर बहुजन समाज का या किसी शूद्र वर्ग का भी हो
अछूत भी वर्ग का भी हो, लेकिन अगर वो इस कार्य को बढ़ाने में अगर वो लायक साबित होता है तो ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है उसे उसके संचालन में दे दी जाए और इस कार्य को आगे बढ़ाते रहा जाए। तो इस तरीके का विल जो है उन्होंने अपने अंतिम दिनों में लिख कर गए थे। बताइए, इस तरीके का विल आज तक के आपने कभी सुना, पढ़ा या कहीं देखा है क्या? सर, अंदाजा नहीं लगाइए कितने महान और कितने आधुनिक और कितने प्रैक्टिकल। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी मतलब महात्मा फुले जी की जीवनी देखा, पढ़ा, लेकिन मुझे ये सारी चीजें नहीं मिले। मैं तो सबसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा निष्पक्ष सर, कि आपने इस स्ट्रीम के लिए, और जमुना मैडम का भी धन्यवाद दूंगा कि उस दिन वो एंगेज थे, वो जुड़ नहीं पाए, और उस वजह से निष्पक्ष सर ने ये जिम्मेदारी मुझे दी और मुझसे जितना हो सके मैं शॉर्ट पीरियड में जितना किताबें पढ़ सका, जितना डिटेल खोज 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 पाया वो मैंने सारी खोजने की कोशिश की, और समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रेजेंटेशन आपके बीच रखा। तो धन्यवाद सर, सर आप दोनों का। आगे भी मैं ऐसे ही नहीं रहूंगी, तो आप ही को जिम्मेदारी मिले, बस यही कामना है। नहीं नहीं सर, सर, सौर्य सर, आपने बहुत अच्छा किया। सौर्य सर, एक बात बताऊं कि ये ना, ये जो आपका आज का प्रेजेंटेशन है, ये यूट्यूब की दुनिया का सबसे खूबसूरत प्रेजेंटेशन है। दिलीप मंडल साहब एक बात कहते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मेरी बातों को लाखों लोग सुन रहे हैं, लेकिन अगर 1,000 लोगों में से ही कोई व्यक्ति सुन करके अगर उसी बात को चौराहे पे अगर 4 लोगों के बीच में कहता है तो हमारी वो व्यूज में काउंट नहीं होता है, लेकिन हमारा यानी आपका जो काम है वो वहां तक पहुंच जाता है। तो इसके लिए ना, मेरा ये निष्पक्ष आवाज की पूरी टीम आपका सर आभारी है कि आपने वो चीजें सामने दिखाई जो कभी कोई दिखाना नहीं चाहता। सिक्के का एक पहलू दिखाता है और कहता है कि भाई मैंने तो प्रेजेंट किया, मैंने तो दिखाया, लेकिन सिक्के का जो दूसरा पहलू है, जो हर सामाजिक कार्यकर्ता, हर सोशल वर्कर और के मन में ये चीज रहता है कि मैं देखूं कि उनकी जीवनी क्या थी। जीवनी शायद इसीलिए पढ़ी जाती है, इसीलिए समझी जाती है, लेकिन फूले साहब के परिवार के बारे में जब हम लोगों ने ये इतनी भावनाएं देखी तो सोचिए कि ऐसा नहीं कि जो उन्होंने 16 स्कूल का निर्माण करवाया था उसमें कितने बच्चे पढ़े होंगे, कितने लोग आगे बढ़े होंगे, कितने कहाँ कहाँ गए होंगे, कौन कौन से स्थान पे उनका सिलेक्शन हुआ होगा, फिर भी उनके इतने शिष्य होने के बाद भी उनके परिवार का हालत यह रहा। ये बहुत ही, हालांकि सरकारें तो कभी मदद करेंगी नहीं, वो तो जानबूझ के नहीं, उनके लिए तो ये बहुत खतरनाक चीज था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।